हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी जनाब, आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो हमने कहा फालसे का शरबत बनाते हैं। तो ये हमने फालसे लिए बहुत ज़्यादा, तो ये देखें जी, ब्लैक ब्लैक और कुछ मीठे भी हैं, खट्टे भी हैं। हम लोग शॉपर में फालसों को रख फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर उसका हम फ्रेश जूस बनाते, बना के नहीं रखते। तो आज हम फ्रेश जूस बना रहे हैं, तो मैंने कहा मैं इसे शेयर करती हूँ। सेहत के लिए बहुत अच्छा है और गर्मी की तोड़ के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और फालसा भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो हमने कहा ये जूस बनाते हैं। एक आड़ू भी बहुत आ रहे हैं, आड़ू के भी जूस बनाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है और गर्मी की तोड़ है, तो फालसा तो इज़ बेस्ट। तो चलें जी जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फालसे, इनको हमने धोया है अच्छी तरह, देखें कितने मज़े के छोटे छोटे से फालसे हैं ये, देखें। तो अब हम इसको बनाते हैं, इसका जूस बनाते हैं, तो आपको दिखाते हैं। चलिए अब हमारे साथ रहिएगा जी। ये हमने बर्तन लिया, इसमें हम छानेंगे जूस को इस जाली में, ये देखें इस जाली में हम छानेंगे, क्योंकि ये मोटी जाली है, क्योंकि इसमें हम जाली छानेंगे तो ये थोड़ा सी जूस बिल्कुल बारीक नहीं हो जाता अंदर, बल्कि थोड़ा सा मोटा रह जाता है, तो अच्छा लगता है जब पीते हैं हम। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, हमने आधा जग फालसे का डाला है और इसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम जी। हमने पानी ऐड कर दिया है जी, हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमने बंद कर दिया, अब हम इसको ऑन करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे फालसा शरबत बन रहा है, ये देखें। इसको हम तकरीबन 3 मिनट पका, इसको हम 2 मिनट के लिए हम इसको बनाएंगे। इसी तरह अच्छी तरह से फालसे जो हैं मोटे मोटे, वो अच्छी तरह से हो जाएं फ्रेश। तो ये बहुत अच्छी, बहुत बहुत ठंडी चीज़ है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आजकल फालसे बहुत आए हैं, हमने 2 किलो फालसे लिए हुए हैं और इनको रखा हुआ है, फ्रीज करके रखेंगे इनको, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम फ्रेश फालसे का जूस बनाएंगे। तो हम देखते हैं जी, अभी 1 मिनट हो चुका है, ये दूसरा मिनट स्टार्ट है, तो फिर मैं आपसे जी फिर आपसे मिलते हैं जी। गाइस और इसको खोलेंगे हम, ये देखें जी हमारा ये जूस तैयार हो जाएगा। बहुत ये अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ज़्यादा फालसे हमने डाले थे, ये देखें जी ये हमारा जूस है। इसे हम अब कैसे पतला करेंगे वो आपको दिखाते हैं जी। गाइस इसकी हम चटनी भी बना सकते हैं, जैसे ये इतना हमने बनाया है इसको, तो इसकी हम चटनी भी बना सकते हैं, जैसे इमली की चटनी बनाते हैं वो बनाते हैं। इसकी भी हम ये देखें, इसकी जैम बना सकते हैं, इसका मुरब्बा बना सकते हैं और इसकी चटनी भी बना सकते हैं। और ये देख, इसमें जो छोटे छोटे वो इसके बीज हैं वो भी हम चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें जी। चलें जी हम जूस बनाते हैं, हम इस टाइम जूस बना रहे हैं, तो जूस बनाते हैं। चलें जी अपने साथ रहिएगा। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, चलें दिखाते हैं आपको। अब हम इस बाउल में डालेंगे जग में थोड़ा सा हमने पानी डालेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे जी जनाब। अब हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत वो ये देखें, हमने इतना पानी ऐड किया इसमें क्योंकि फालसे का जूस पतला होता है ज़्यादा। हम ये देखें इसके बीज अलहदा होते जा रहे हैं और सारा अंदर इसका ही। ये
ये देखें जी, ये इसके बीज हमने निकाल लिए सारे, तो इसको हम निकाल लेंगे से। जी गाइस देखें, अभी भी हमें पानी की ज़रूरत है क्योंकि ये ज़्यादा घना बन जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल खालिस है। हमारा बाज़ार से जो मिलता है उसमें कितना पानी ऐड होता है, और धोते भी हैं कि नहीं धोते ये, लेकिन खालिस अपना घर में आप ये जूस तैयार कर सकते हैं फालसे का, बहुत सेहत के लिए अच्छा है, गर्मी का तोड़ है जनाब जी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जी। हमने ये पानी ऐड किया है इसमें, ये देखें जी, अब सही बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी चीनी, और चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जैसे जितनी आप डालना चाहते। फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे चीनी के साथ, और देखें जी जनाब, हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप जग में डालें क्योंकि हमने इसमें से जूस निकाला है, जग में डाला है जो ग्राइंड करना है जग। ये देखें जी, अब इसमें हमने डाल दिया है इस जग में, तो अब हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। चीनी हम कितनी डाल रहे हैं, तो ये देखें जी, ये हम चीनी डाल रहे हैं इतनी, ये देखें इतनी चीनी डालेंगे हम इसमें। हम चीनी ऐड कर रहे हैं, सारी चीनी ऐड कर रहे हैं। जब ये ग्राइंड हो जाएगा इस, फिर हम दूसरे में मिक्स कर देंगे। जी हमने चीनी ऐड कर ली है इसमें, और अब जी हम इसको ग्राइंड करेंगे। जी हम इसको ग्राइंड करें इसको, हम इसको बस थोड़ी सी थोड़ा सा बस करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जल्दी चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी इसमें। आप इसमें अगर ज़्यादा देर इसको रखना चाहते हैं जूस को, तो जैसे आप हफ्ते के लिए या किसके लिए इसमें आप थोड़ा सा लीमू, आधा लीमू डाल दें, या इसमें आप सिरका थोड़ा सा डाल दें, तो ये आपका जूस एक महीने तक चल सकता है। जितना मैंने इसको बनाया था, पानी नहीं डाला था, वैसे ही आप बना के रख दें। जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो गिलास में डाल के उसमें पानी डाल के, तो फ्रेश जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये बंद करते हैं, ये हमारी चीनी मिलेट हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गई है चीनी। अब ये सारा जूस हम दूसरे जूस में डालेंगे, तो चीनी हमने उस जूस और इस जूस के बराबर डाली है, तो वो उसमें मिक्स कर देंगे सारी, तो हमारा ये फालसे का शरबत तैयार हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है हमने जी जनाब, कौन सी है वो आपको जहन में तो होगा थोड़ा बहुत, क्या डालना है? काला नमक जी, काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये जूस बहुत मज़े का लगता है। चलें जी हम काला नमक ऐड करते हैं इसमें। जी जनाब अब हम इस काला नमक ऐड कर रहे हैं जी, काला नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। हम 2 चम्मच काला नमक के ऐड करेंगे क्योंकि जूस ज़्यादा है, तो इस वजह से। तो अब फिर हम इसको मिक्स करेंगे, ये हम मिक्स कर लें सिर्फ सेकंड के लिए। काला नमक डाला है इसमें, जी जनाब ये हमारा मिक्स हो चुका है, काला नमक और चीनी और फालसे का जूस हमारा तैयार है जी। जी अब हम इसमें मिक्स करेंगे, ये जी मिक्स हो चुका है बिल्कुल, चीनी और काला नमक मिक्स हो चुका है। ये हमारा जूस बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बिल्कुल बहुत मज़ेदार तैयार हो चुका है। अब हम इसे बोतलों में डाल के फ्रीज़र में रखेंगे, और गर्मी में जो आएगा बोतल इस्तेमाल करेगा, पीता जाएगा। तो ये देखें गर्मियों के लिए तोड़ बहुत मज़ेदार। अगर आप रखना चाहते हैं, इसे सेव करना चाहते हैं, तो जिस तरह पहले मैंने इसको बनाया उसमें पानी ऐड नहीं किया था, वैसा ही आप रख सकते हो। उसमें आप सिरका डाल सकते हो और या लीमू डाल सकते हो, वो आपका जूस ख़राब नहीं होगा, एक माह महीने तक आपका चल जाएगा। जैसे आप बाहर से आते हैं गिलास में बर्फ़ डालें और
वही जो जैसे मैंने बताया था, आपको 2 चम्मच डाल के उसमें पानी डाल के तो आपका मज़ेदार जूस टेस्टी तैयार हो सकता है। चलें जी, अब हम पैकिंग करते हैं इनकी बोतलों में पीने के लिए। चलें जी जी गाइस, अब हम इसमें क्यूब्स डाले हैं हमने बर्फ़ के, ये देखें जी। अब हम इसमें जूस डालेंगे फलसे का। वाओ जबरदस्त, गर्मी का तोड़ खालिस फलसे का जूस। ये देखें गाइस जी, फलसे का ज़बरदस्त जूस बना है और गर्मी का तोड़, और आप घर में फ्रेश जूस तैयार कर सकते हैं खालिस, बिल्कुल खालिस। तो गाइस कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आड़ू का जूस बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी उसमें क्या चीज़ें शेयर करते हैं हम लोग। तो इसमें डालने के लिए तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मज़ा सिर्फ़ काले नमक का है जी, इसमें टेस्ट उसका अच्छा आता है। आप इसमें अगर वो काली मिर्च डालेंगे तो आपके गले को लगेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नमक ऐसी चीज़ है कि मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप मेरा साथ दें, मेरे वीडियोस को आगे ले जाएं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बेस्ट वीडियो आपको मिलेंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।